अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोमनाज किचन। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल से बखैरियत होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन वाइट कढ़ाई, जिसके लिए मुझे चीज़ें चाहिए वो हैं 1 kg चिकन नॉर्मल साइज़ की। ये मेरे पास प्याली है, इसमें मैंने दही लिया है, ये भर के आपने लेनी है। 1/4 प्याली मेरे पास क्रीम है और 1/4 प्याली ही मेरे पास दूध है। 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल मेरे पास ये है, वाइट पेपर 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून जो है मेरे पास नमक है और 1 टेबल स्पून मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है। इसके साथ मेरे पास 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट है और 2 टेबल स्पून मेरे पास लहसुन का पेस्ट है। गार्निशिंग के लिए मैंने ये सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो काट ली हैं, इसके साथ अदरक के स्लाइसिस हैं। सब्ज़ मिर्चों में से मैंने काट के इसमें से बीज जो हैं वो निकाल लिए हैं। चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे हम चिकन, इसके साथ ही डाल देंगे दही, इसके साथ ही डाल देंगे हम ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं, साथ ही नमक कम या ज़्यादा, इसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं बाद में, और ज़ीरा। इन सब चीज़ों को हम डाल के 4 से 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि गोश्त जो है वो हमारा अच्छे से दही के पानी में ही गल जाए। गोश्त को हीट लगने लग गई है, इसके साथ ही मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। अभी हम इसको 3 से 4 मिनट तक ढक के पकाएंगे, ताकि गोश्त हमारा दही के पानी में ही अच्छे से गल जाए। उसको खोलते हैं, चेक करते हैं, दही का पानी जो है ऑलमोस्ट खुश्क हो गया है और गोश्त भी हमारा अच्छे से गल गया है। इस स्टेज पे आके हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल हम थोड़ा सा इसलिए डालेंगे क्योंकि दही, क्रीम और दूध में नेचुरल फैट होता है, तो ये फिर ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। अब हम इसकी अच्छी से बुनाई करते हैं। ये देखें, बहुत अच्छे से गल गया गोश्त। अब इसकी अच्छे से बुनाई करते हैं। चिकन की अच्छे से बुनाई हो गई है, हम इस स्टेज पे अब डालेंगे इसमें क्रीम। क्रीम जो है आपने या फ्लेम बंद करके करनी है, या बहुत ही लो फ्लेम पे आपने डालनी है। अगर तेज फ्लेम पे आप डालेंगे तो आपकी क्रीम फट जाएगी। क्रीम जो है वो आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से भूनते हैं। देखें जी, 4 मिनट बुनाई के बाद जो है हमारी क्रीम जो है वो अच्छी से बुन गई है। इसमें हम अब डालेंगे इस स्टेज पे आके दूध। इसको भी हम 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे अच्छे से। इस स्टेज पे आके क्योंकि गोश्त आपका गला होगा, तो आपने फ्लेम जो है मीडियम टू हाई रखनी है, ताकि हमारा गोश्त जो है वो टूटे नहीं। हमारी ज़बरदस्त सी चिकन वाइट कढ़ाई जो है वो रेडी है। ये देखें, इसकी अच्छे से बुनाई हो गई है। इसकी बुनाई की निशानी यही है कि ऑयल जो है वो मसाले से सेपरेट होने लग जाए। हम अब फ्लेम ऑफ करते हैं और डिश आउट करते हैं इसको। लें जी, हमारी ज़बरदस्त सी चिकन वाइट कढ़ाई की प्लेट रेडी है। ये बहुत ही मज़ेदार और यमी बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको बनाना बहुत ही आसान है। अल्लाह हम सब पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।